हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल एफ टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। रीडिंग जो रोज़ होती है उसका एक उस दिन की एनर्जी, उस वक्त की एनर्जी निकलती है। तो हो सकता है कि पिछली बातों से रिजेंबल हो या ना हो, इट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो भी नज़र आता है, जो भी फील होता है, वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो उसे पॉजिटिवली ही आप ले सके तो बहुत अच्छा रहेगा, जो क्योंकि जो भी मैसेज है, हर एक मैसेज हर किसी के लिए हो ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है कि कुछ चीज़ें जैसे आपके लिए ही हो और कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ना हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। तो जब भी मैं कैंडल जला रही हूँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम याद कीजिए, तो वो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है उन एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। ओके, यस, थैंक यू। Thank you, Universe. Thank you, Universe. Universe, please guide. Universe, please guide. Universe, please, please, please guide. Universe, Universe, please guide. मुझे जस्ट अ मिनट, क्या वो चीज़ कंप्लीट हो रही है, क्या वो सर्कल कंप्लीट हो रहा है, वो जानने की कोशिश में हूँ। यस, सो इनकी जो कार्मिक साइकिल है, इनकी जो कार्मिक सिचुएशन है, वो कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ ब्रेक लग रहा है, डेफिनेटली कुछ ब्रेक लग रहा है, और कंप्लीशन होगा, मतलब ये काफ़ी हद तक उस एंड पे है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसी एनर्जी में है, ओ लेटर नज़र आया प्रोमिनेंटली और यू लेटर, सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑफकोर्स इनकी नज़र है आपके ऊपर, अभी कैसे कैसे वो नहीं पता, ना पता मतलब कि जैसे पॉसिबल ही नहीं है वाला जो सिचुएशन आपको लगता है, वैसे अगर देखा जाए, लेकिन हो ना हो एनर्जी वाइज आपकी ऊपर नज़र है, आप क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो इंसान खुद ही अधूरे छोड़ जाता है, इनका जो आपसे छोड़ के जाना है ना, या इस और जिस तरह से छोड़ के गया है, वो उन्होंने वो कर्मा उन्होंने ही क्रिएट किया है। जो कंप्लीशन करना उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो बन मतलब ये जिम्मेदारी समझे या ना समझे, ये करना ही पड़ेगा। इनकी फीलिंग्स की फीलिंग्स फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है। हो ना हो आपके साथ बिताए हुए पल हो या आपके साथ बिताना चाहते हैं पल है, इनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यू नो, आपका इग्नोर करना हो या आपका एनर्जी ना देना हो, किसी और के साथ देखना हो या कुछ है, ये इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर। जैसे ना इस इंसान को ना एक आदत है, या मे बी आपने उनकी आदत बिगाड़ी है, कि इजी है आप, इजी अवेलेबल। तो अभी वो चीज़ फीलिंग नहीं आ रही है, कि एक होता ना कि घूम फिर के एक इंसान ना हमारे ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा, पता है ना, पता है कि यही
कॉल करेगा, कॉल करेगी, मैसेज करेगा, मैसेज करेगी, या फिर मैं जाऊंगा, मनाऊंगा, मानेगी, मानेगा, ऐसे कुछ एनर्जी है ना. मतलब इन्होंने बोला नहीं कि आप हाजिर, वाली जो सिचुएशन थी या ये ज़रा सा भी कुछ ना थोड़ा सा भी अपसेट होकर कुछ कह दे तो आप मतलब आप पिघल ही जाओगे. आप इतना इतने अच्छे वाले मोम हो ना कि बहुत अच्छे से जल्दी पिघल जाते हो. मतलब ज़रा सी मतलब फ्लेम ना दिखी तो आप पिघल जाओगे. ऐसी एनर्जीज पहले थी आपकी और अभी कुछ लोग केसेस में अभी भी हैं. तो मतलब आपको ना ट्रिगर करना इतना आसान है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा पता है. बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन, इनको पता है. और इसी चीज़ का ना जैसे उनको एहसास है. यस, इसी वजह से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे ना एक बर्ड डाली पे बैठा हुआ नज़र आया, जैसे कोई मैसेज लेके आए हो, जैसे कोई संदेश लेके आए हो. और मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यू नो एक कांटेक्ट तो होगा आप लोग के बीच में. टी लेटर अपीयर हुआ है, कांटेक्ट होगा. अगर कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट होगा, और अगर बात नहीं हुई है तो बात होगी ज़रूर. और ख़ास करके ना कुछ प्यार भरी बातें होगी, जो अगर लेस कांटेक्ट में भी है बहुत प्यार भरी होगी. लेकिन कैसा है कि कुछ अगर बात छिड़ गई कि कमिटमेंट है, उसके आगे क्या, आगे क्या अगर पूछे तो फिर वापस सिचुएशन थोड़ा डाउन जाने की स्कोप है. लेकिन आपसे बात करने की इच्छा, मतलब आपकी आवाज़ सुनने की इच्छा, आपको देखने की इच्छा, लाइक ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है. इस इंसान का ना अजीब सा एक डर है, अजीब सा डर है कि आप क्यों नहीं हो, आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या आप माफ़ करोगे. ऐसा डर अजीब है, बहुत ज़्यादा डर, अजीब सा डर है. हो ना हो ये इंसान अपनी कर्मा को भुगत रहा है. यस, कर्मा को भुगत रहा है, क्योंकि बार बार कहना पड़ता है लेकिन ये सच है. बार बार कहना पड़ रहा है लेकिन ये सच है, क्योंकि कुछ तो है जो स्पेशली मुझे ना आज के रीडिंग में पास्ट लाइफ कर्माज काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं. पास्ट लाइफ कर्माज, लेटर वी अपीयर हुआ है, लेटर वाई अपीयर हुआ है, क्वेश्चन मार्क्स है, लाइक ना बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं. और स्पेशली ये सवाल आपकी तरफ से है, और इनको इस बात का अंदाज़ा है कि आपसे सवाल क्या हो सकते हैं. यस, कबूतर की गुटरगूम. मुझे बुके ऑफ फ्लावर्स दिख रहा है, बुके ऑफ फ्लावर्स. तो एक फ्लावरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है मुझे. मतलब कुछ एक ब्लॉसमिंग एनर्जी, जहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है. और आपके सवाल क्या हो सकते हैं, इन सवाल से ही तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं जैसे फील हो रहा है कि आप तक पहुँचना है, आप तक, आपसे बात करनी है, लेकिन कैसे कैसे, मतलब पता नहीं क्यों अभी ना, पहले नहीं था बट अभी आपके एनर्जी से डर लगता है. अभी आपके एनर्जी से डर लगता है कि अब पहले जैसे ऐसे ना बेवकूफ़ इमोशनल, इतना ऐसा बेवकूफ़ नहीं साउंड करते. यस, आप पहले के जैसे ना बेवकूफ़ नहीं साउंड कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांग साउंड कर रहे हैं, स्ट्रांग. कुछ लोग तो लाइक मिसअंडरस्टैंड करें कि आप के लाइफ में ना आप मूव ऑन कर चुके हो, आप में लाइफ में आपने किसी और को पसंद किया हो, लाइफ में आप पता नहीं क्या चीज़ की अकड़ में हो, या पता नहीं क्या चीज़ करी है आपने जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट स्ट्रांग फील हो रहे हो, और उसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं. एक अजीब सी एनर्जी है, जैसा अपोजिट एनर्जी, लाइक नो यहाँ पे लाइक आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, ऐसा फील हो रहा है. और यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके लाइफ में हर चीज़ जैसे कम होते जा रही है, ख़त्म होते जा रही है. यू नो हो सकता है कि इनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बढ़ रहे हो, या फाइनेंसेस कुछ तो प्रॉब्लम हो रहे हैं. लाइक ना
एक वक्त होता है तो वो एहसास नहीं होता, बट अभी समाव ऐसा लग रहा है कि कुछ तो फाइनेंसेस के प्रॉब्लम अचानक से आ गए हैं, कुछ स्पेशली लोन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा है, कर्जे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अचानक से क्रेडिट कार्ड बिल्स या ऐसा कुछ तो बढ़ने लगे हैं, या पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, बट इनको लग रहा है कि उनके लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं और आपके लाइफ में सब कुछ जैसे अच्छा होते जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा ना इस अजीब से एनर्जी में, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा इनको कैसे क्या चीज़ का रिएक्ट करें, क्योंकि चाहे ना चाहे, भले वो किसी और रिलेशनशिप में है या किसी और को कमिट कर चुके हैं या फिर अपने सोच के रखा है भाई पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बट समहाउ डिसीजन तो उनका क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन 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 यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोचने पर जैसे ना अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, खास करके आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और इनको आपके लिए इतनी क्रेविंग्स क्यों बढ़ रही है वो समझ नहीं आ रहा है। यस, ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से आपके लिए इतना फीलिंग्स क्यों है, क्यों इतना अट्रैक्शन है, क्यों इतना मैग्नेटिक पुल है, वो नहीं समझ में आ रहा है उनको। वो बस फीलिंग्स है और उससे चीज़ को ना बहुत ज़्यादा दिल से लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिल से। कन्फ्यूजन की एनर्जी टूटेगी ज़रूर, और मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यस कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। यहाँ पे ना अजीब एनर्जी है कि जहाँ पे मतलब आपके लाइफ में क्या चल रहा है ना उसका मतलब बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग है, लाइक ना क्या चल रहा है, क्यों नहीं हो, मतलब अजीब, मतलब खुद ही रिश्ते से भागे थे या कमिट नहीं कर रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, और ऊपर से अगर आप भी मूव ऑन करने का सोच रहे हो या कुछ भी है तो वो भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। क्यों, मतलब इंसान है ना लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट एनर्जी वाइज जैसे ना आपको बांध के रखा है, एनर्जी वाइज आपको जैसे इंसान ने ना इसे बांध के रखा है, एंड आई कैन शो यू द बर्ड, इसे कुछ मुझे ना डाल पे बैठा हुआ पंछी जैसे फील हो रहा है, एंड इट्स लाइक गिविंग द मैसेजेस, और यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड में भी कबूतर की आवाज़ आ रही है। लेटर टी, लेटर वी, लेटर जी प्रोमिनेंट है, एंड मुझे 5 और 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, 5 और 7, मे बी मई मंथ, जुलाई मंथ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर कुछ है, 5 डेज में 7 डेज में कुछ होने वाला है, वो फील हो रहा है। कार्मिक साइकिल ना टू द एंड है, टू द एंड, कंप्लीट नहीं हुए बट टू द एंड, लाइक एक आखिरी दाव है ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि इनकी तरफ से अगर एक्शन हो सकता है क्या कुछ, तो क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। थ्रोट चक्रा, शैडो, सो सॉलिट्यूड। इंसान बहुत ज़्यादा अकेलेपन में बहुत कुछ सीख रहा है, समझ रहा है, सो यस एस ऑफ कप, नई शुरुआत होगी। ये अपनी मिरर सेल्फ या कर्मा को भुगत रहे हैं, अपनी ही नेगेटिव साइड को, अपनी ही नेगेटिव एनर्जीज को फेस कर रहे हैं, और अपनी या फिर किसी और की नेगेटिव साइड को समझ रहे, देख पा रहे हैं अभी, और इनका जो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है ना, बात नहीं कर रहे, ये बात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एसर्टिव मोशन, जल्द से जल्द इनका कॉल मैसेज आ सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है। ये अभी जिस तरह से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। यहाँ पे अगेन इस पैशन बहुत ज़्यादा है, और ये आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, इट्स हार्मनी इन रिलेशनशिप,
harmony in relationship is going to happen और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड. सी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आगे बढ़ना चाहते हैं बट पॉजिटिव वे से. निगेटिव सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ और रीयूनियन होता हुआ बहुत ज़्यादा फील हो रहा है. अट्रैक्शन और एक बोलते ना एक नई शुरुआत की उम्मीद बहुत बहुत ज़्यादा है. आपके लिए मैसेजेस साइंस एंड मेंटर्स. यस सो कॉल मैसेज आ सकता है, ये बात यस है. कोई भी जो आपके जो मन में सवाल है वो हो सकता है कि नहीं, यस ये होगा जरूर. एंड कुछ लोगों को ये है क्या ये रीडिंग सच में काम करती है? यस ये काम करती है. साइंस एंड रिमाइंडर, तो आप लोग को कुछ भी साइंस एंड रिमाइंडर मिल सकते हैं, जैसे कुछ भी लाइक कुछ ड्रीम्स के थ्रू, कुछ एंजल्स के थ्रू, बर्ड्स की वगैरह कुछ भी थ्रू, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है. एंड यस इट इज़ गोइंग टू हैपन. और इस बात पे ना पॉजिटिव अफर्मेशन करके देखिए, अपने आप के लिए नेगेटिव मत सोचिए कि जो बस आपकी नसीब में दुख है, तकलीफ है, हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ आज ही का दिन नहीं है, और भी ज़िंदगी है और हमें पॉजिटिव लेके ही चलना है. ओके तो ये थी रीडिंग. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, thank you, nurse.